आप देख रहे हैं केवल कामा के पूर्व विधायक अरुण सिंह के जेल से निकालने के बाद सियासी हलचल तेज हो गया है। एक और जहां आरजेडी ने अशोक महतो के साथ समीकरण बैठाने के लिए मुकेश सहनी को मैदान में उतारा है, वहीं अब जेडीयू ने भी एक चाल चल दिया है। ललन सिंह के लिए भी एक कद्दावर युवा नेता को सेट किया गया है। बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह के जेल से बाहर निकलने के बाद प्रदेश की सियासी तेज हो गया है। अनंत सिंह के जेल से निकलने के बाद जैसे ही आरजेडी को समीकरण बिगड़ने का एहसास हुआ, वैसे ही उसने तुरंत अशोक महतो के लिए मुकेश सहनी को मैदान में उतार दिया, लेकिन अब जेडीयू ने भी चाल चल दिया है। दरअसल जेडीयू ने भी समीकरण को दुरुस्त करने के लिए चाल चल दिया है। जेडीयू ने ललन सिंह के साथ चिराग पासवान को भी मैदान में उतार दिया है। इसके बाद मुंगेर लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के साथ लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। उन्हें देखने के लिए काफी संख्या में लोग सड़क किनारे जमा थे।